अंदर का सीन क्या है? खाली है? नहीं, अंदर में एक है, बच्चा है। ये देखिए, न्यू बॉर्न बेबी। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आज हम लोग आपको बताने वाले हैं, कबूतर से मिलवाने वाले हैं। तो अभी शाम के बज गए हैं 4, तो हम लोग चलते हैं अपने कबूतर के घर। वो हम कैसे रखते हैं अपने कबूतर और कबूतरियों से आपको हम मिलाते हैं। तो हम तो चलते हैं, देर किस बात के, तो कबूतर से हम आपको चलते हैं मिलवाने के लिए। तो मेरा कबूतर का घर उधर स्पेशली है, खाली उसमें कबूतर ही रहता है, उसके बाद कोई नहीं। तो हम लोग चलते हैं अपने कबूतर के भाड़ी के पास, मतलब घर के पास आ चुके हैं। तो हम आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से। तो हाँ, मेरे कबूतर के घर कबूतर खाना तो देख सकते हैं, इसमें टोटल 100 कबूतर प्लस है। मेरे इसमें अभी इसमें 2 अंडे हैं जो इसमें दिखा सकते हैं। इसकी माँ भी उड़ गई है, 2 अंडे इसमें है। और इसमें टोटल अभी कुछ कबूतर है, कुछ कबूतर अभी बाहर उड़ गए हैं, तो हम आपको पूरे दिखाते हैं। तो कुछ कबूतर यहाँ पे है, कुछ कबूतर का घर उधर है। ये टोटल कबूतर का ही घर है, आप देख सकते हैं। ये हॉर्स राइडिंग बिहार में आपका कबूतर का घर है। ये हमारा शौक है कबूतर पालना, हर जानवर से हमें लगाव है, तो इसलिए मेरे घर में आपको हर जानवर मिलेगा, कबूतर मिलेगा, हंस मिलेगा। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा कबूतर है, कबूतरियाँ हैं। तो हमने इन्हें हम नहीं पाले थे, ये हमारे बड़े भैया पाले थे, और ये माँ इसको देखभाल बहुत अच्छे से करती है। वो अंडा सेव लिया अपना घर में, वो डब्बे के साथ में। यहाँ पे अंडा है तो वो देख सकते हैं, और ये सब हमें देख के सब भाग रहे हैं। यहाँ पे ये अंडा सेव ली थी, पर इसका अंडा कहाँ है? जैसे आप देख सकते हैं, ये वहाँ पे भी ये घर है जहाँ पे ये रहती है। हमें देख के ही भाग गए वो लोग, तो हम बाहर में कुछ कबूतर देख सकते हैं। यहाँ पे बाहर में है, और यहाँ पे आपको बहुत ही प्रजाति के अलग अलग के कबूतर मिलेंगे, रंग के रूप के सभी एक साथ मिलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए आप, ये उजली वाली कबूतर, और ये पूरी ब्लैक, ये ब्लैक, और कुछ कुछ ये दोनों के मिक्सचर। आप वहाँ पे देखिए वो वाली कबूतर को, ब्लैक एंड वाइट है। और इनका ये घर जो है, ये देख सकते हैं आप कैसे ये लटका के बनाया गया है। ये किसने बनाया है? हमने बनाया है। ये देखिए कैसे डिजाइन से ये बनाया है, और इनके अंदर भी घोंसला बनाया गया है। सिर्फ ये दे दिए कपड़ा दे दिए ऐसे ही नहीं, उन्होंने दाना चुन के लाया और अंदर से बनाया है घोंसला। तो घोंसला आप देख सकते हैं, ये रहा घोंसला, ये फिलाई, और अंदर का टूर करवाते हैं। चलिए चलिए, ये देख सकते हैं घोंसला, और ये रहा स्पेशल घर। यहाँ पे भी बहुत से रहते हैं। ये अंदर का सीन क्या है? खाली है? नहीं, अंदर में एक है, बच्चा है। ये देखिए, न्यू बॉर्न बेबी। ओ माय गॉड, पता ही नहीं था। ये आपके, ये आप देखिए, एक नया मेंबर आ चुकी है इधर पे, चुई। अब येलो हो सकते हैं, ये येलो कलर की हो सकती है, येलो है, रंग चेंज हो सकती है, ब्लैक में हो सकती है। ये बड़ा होने के बाद ही पता चलेगा, तो कुछ दिन इंतजार करिए, जब बड़ा होगी तो हम इसको बताएंगे, आप लोग को थोड़ी दिखाएंगे किस कलर में है। ठीक है, चलिए चलते हैं, ज़्यादा इनके तरफ नहीं आते। आप लोग कबूतर से कभी मत डरिए, जैसे कि मैं अभी अंदर गया था तो मुझे बहुत डर लगा था, पर फिर मामा जी ने बताया क्या कि कबूतर से कभी मत डरो, ना वो चोंच मारती है, और उनके पंजे होते हैं, और ना वो पंजे मारती हैं। वो बड़ी सीधी सरल सी कबूतर होती हैं, काली काली उजली उजली। बस यही आप आज आपको दिखाना चाहता था कि कितने कबूतर हैं, कैसे लगते हैं, और क्या क्या खाना देते हैं, क्या क्या खाना देते हैं वो मामा जी बताएंगे। आप बताइए क्या क्या खाना देते हैं। देखिए, ये सुबह जब उठती है तो इसे गेहूं और चावल का मिक्सन दोनों फेंक देते हैं ज़मीन पे, ये आके छून के खा जाते हैं। तो शाम में भी उसी टाइप करते हैं, दोपहर में 3 बजे आप दे दीजिए अपने आंगन में, जहां आपके कबूतर के घर है उसके नीचे दे दीजिए कटोरी में, या आप उसे छीट दें तो वो खाएंगे।
आके, क्योंकि ये तो मुर्गी है नहीं, इसे पिंजरे में डाल दीजिए, ये तो खुला आसमान में उड़ती है, तो इसलिए आपको कटोरे में डालना होगा या नीचे बिछा देना होगा। वो आके अपने चूर के पूरे खाना खा लेगी। आपको क्या लगता है, रात को जैसे कि कुछ लड़के सब टंडेली मारते हैं, वैसे कबूतर लोग नहीं मारते हैं? ये लोग 5 बजे के बाद अपने घर में आ जाते हैं, इसीलिए आपको अंधेरा होने से पहले ये लोग घर में आ जाते हैं, आपको बाहर कहीं नहीं दिखेंगे, इसीलिए शाम के टाइम में बहुत कम ही पशु पक्षियां आपको दिखते होंगे उड़ते हुए, उसे भी अंधेरा होता है तो कैसे उड़ेंगे। ये कहीं भी रहेंगे तो 5 बजे अंधेरा होने से पहले अपने घर वापस आ जाएंगे, कितनों कुछ हो ये वापस आ जाते हैं। आपको टोटल मेरे कबूतर अभी बाहर है, सब देख सकते हैं। उम्मीद है मेरे कबूतरों से गिर के अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मोर ब्लॉग्स के लिए आप सब्सक्राइब करिए हॉर्स राइडिंग बिहार को, और भी जानवरों से मिले, कुत्ते से भी मिले। कुत्ते वाला लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा जिसमें कितने कुत्ते हैं। तो बाय बाय।